डियर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आज मैं आपको पाठ एक भाषा और व्याकरण की एक्सरसाइज करवाने जा रही हूँ। बच्चों पाठ तो आपने पढ़ लिया है और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। अब मैं इसकी एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूँ। आपने प्रश्न उत्तर भी लिख लिए होंगे। दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं, कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो सही वाक्य पर आपको क्या लगाना है बच्चों? सही का निशान लगाना है। क, भाषा के मुख्यतः कितने रूप होते हैं? क, भाषा के मुख्यतः कितने रूप होते हैं? तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या है? भाषा के कितने रूप होते हैं? दो। भाषा के कितने रूप होते हैं? दो। इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ भाषा के कितने रूप होते हैं? दो। नंबर एक लिखित भाषा, नंबर दो मौखिक भाषा। तो इसमें तीन आपको ऑप्शन दिए गए हैं, चार, तीन, दो। तो सही उत्तर क्या होगा? दो। अब ख, टीवी पर समाचार सुनना एवं अखबार पढ़ना भाषा का रूप है। बच्चों हम टीवी पर समाचार पढ़ते हैं, समाचार सुनते हैं और हम अपने घर में अखबार पढ़ते हैं, तो ये भाषा का कौन सा रूप होता है? नंबर एक लिखित भाषा, नंबर दो मौखिक भाषा, नंबर तीन दोनों भाषा। तो टीवी पर समाचार सुनना और अखबार पढ़ना भाषा का मौखिक रूप होता है। कौन सा होता है? मौखिक रूप होता है ये मौखिक भाषा। टीवी पर समाचार सुनना एवं अखबार पढ़ना भाषा का कौन सा रूप होता है? मौखिक रूप होता है। क, व्याकरण के मुख्यतः विभाग है, चार, तीन, दो। व्याकरण के मुख्यतः कितने विभाग होते हैं बच्चों? क्या चार होते हैं, तीन होते हैं या दो होते हैं? तो सही उत्तर क्या आएगा? तीन। सही उत्तर क्या आएगा? तीन। अब ये घ, किसके द्वारा हम भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं? बच्चों किसके द्वारा हम भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं? नंबर एक भाषा द्वारा, नंबर दो व्याकरण द्वारा, नंबर तीन संज्ञा द्वारा। तो हम भाषा का शुद्ध प्रयोग किसके द्वारा सीखते हैं? व्याकरण के द्वारा। बच्चों अगर व्याकरण ही नहीं होगी तो हम भाषा का शुद्ध रूप नहीं सीख पाएंगे। हम कुछ भी पढ़ेंगे समझेंगे तो बस क्या हो जाएगा वो, अगर हम सही पढ़ेंगे नहीं, सही नहीं समझेंगे तो वो क्या हो जाएगा? भाषा का गलत रूप हो जाएगा। तो क, भाषा के मुख्यतः कितने रूप होते हैं? चार, तीन, दो। तो सही उत्तर क्या आएगा? दो। बच्चों आप अपनी नोटबुक में इसको जल्दी से उतार लीजिए। वैसे आपके पास बुक भी होगी ना, किताब होगी, तो किताब में भी आप चाहे तो उसको टिक मार्क कर सकते हैं, मगर अगर नोटबुक में उतार लेंगे तो आपके लिए ये बहुत आसान होगा। भारत के मुख्यतः भाषा के मुख्यतः कितने रूप होते हैं? दो। अब देखो टीवी पर समाचार सुनना एवं अखबार पढ़ना भाषा का रूप है। ख, टीवी पर समाचार सुनना एवं अखबार पढ़ना भाषा का रूप है। नंबर एक लिखित भाषा, नंबर दो मौखिक भाषा, नंबर तीन दोनों भाषा। नंबर एक लिखित भाषा, नंबर दो मौखिक भाषा, नंबर तीन है दोनों भाषा। तो कौन सी भाषा आएगी? मौखिक भाषा। तो आप इसको सही लगाएंगे, सही का चिन्ह लगाएंगे मौखिक भाषा। अब ग, व्याकरण के मुख्यतः विभाग है। ग, व्याकरण के मुख्यतः विभाग है। नंबर एक चार, नंबर दो तीन, नंबर तीन दो। चार, तीन और दो, तो व्याकरण के कितने विभाग है बच्चों? तीन। कितने बताए थे मैंने आपको? तीन। आगे घ, किसके द्वारा हम भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं? किसके द्वारा हम भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं? तो इसका सही उत्तर है भाषा द्वारा, व्याकरण द्वारा या संज्ञा द्वारा। तो बच्चों यहाँ पर तीन उत्तर दिए गए हैं, तो सही उत्तर कौन सा है? व्याकरण के द्वारा। व्याकरण के द्वारा ही भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको दोहराती हूँ। क, भाषा के मुख्यतः कितने रूप होते हैं? क, भाषा के मुख्यतः कितने रूप होते हैं? चार, तीन, दो। सही उत्तर है इसका दो। ख, टीवी पर समाचार सुनना एवं अखबार पढ़ना भाषा का रूप है। नंबर एक लिखित भाषा, नंबर दो मौखिक भाषा, नंबर तीन दोनों भाषा। तो सही उत्तर है मौखिक भाषा। क, व्याकरण के मुख्यतः विभाग में। चार,
सही उत्तर क्या है? व्याकरण के द्वारा हम भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं। तो बच्चों अभी जो मैंने आपको इतना बताया है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके आगे बच्चों दूसरी एक्सरसाइज लिखवाने जा रहा हूं। हाँ तो स्टूडेंट्स अब मैं आगे आपको एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ। कुछ शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ मैंने शब्द दिए गए हैं, ये बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको चुनकर के आपको क्या करना है, ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पर, ये जो खाली स्थान मैंने बताए हैं, इसमें आपको क्या करना है, लिखना है। तो उचित शब्द, इसमें से जो सही शब्द है, जो उचित है, उसी को चुन करके यहाँ पर खाली जगह में आपको भरना है। जैसे है क के द्वारा व्यक्ति अपने भावों को प्रकट करता है। तो बच्चों व्यक्ति अपने भावों को किसके द्वारा प्रकट करता है? भाषा के द्वारा। यहाँ उत्तर क्या आएगा? भाषा। भाषा के द्वारा व्यक्ति अपने भावों को प्रकट करता है। ख पत्रों में हम भाषा का प्रयोग करते हैं। कौन सी भाषा का? ये क्या है उत्तर? लिखित। पत्रों में हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। अब है ग, भारत की राजभाषा है। तो बच्चों भारत की राजभाषा क्या है? इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी राजभाषा है, नहीं, हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। ये हिंदी क्या है? भारत की राजभाषा है। घ, उत्तर प्रदेश में अधिकतर क्या बोली जाती है? अंग्रेजी या मलयालम, तमिल, तेलुगु, नहीं, उत्तर प्रदेश में क्या बोली जाती है? हिंदी। ड, में हम भाषा को शुद्ध करने के नियम सीखते हैं। तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था किसके द्वारा हम नियमों को लागू करते हैं या शुद्ध भाषा को सीखते हैं, किसके द्वारा हम सीखते हैं। तो हम यहाँ पर सही उत्तर है व्याकरण। व्याकरण में हम भाषा के शुद्ध करने के नियम सीखते हैं। व्याकरण में हम भाषा को शुद्ध करने के नियमों को सीखते हैं। अब चार, मौखिक भाषा का आधार क्या है? मौखिक भाषा का आधार ध्वनियां है। दे दिए हैं और मुझे इसका उत्तर बता दिया है, मैं फिर से आपको दोहराती हूँ। हिंदी व्याकरण लिखित भाषा, हिंदी और ध्वनियाँ। हिंदी व्याकरण लिखित भाषा, हिंदी और ध्वनियाँ। अब है क है, भाषा के द्वारा व्यक्ति अपने भावों को प्रकट करता है। तो भाषा क्या है? ये भाषा के द्वारा व्यक्ति अपने भावों को प्रकट करता है। अब है ख, पत्रों में हम भाषा का प्रयोग करते हैं। कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। पत्रों में हम किस भाषा का प्रयोग करते हैं? लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। ग, भारत की राजभाषा है। तो क्या है? हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी भारत की राजभाषा है। घ, उत्तर प्रदेश में अधिकतर बोली जाती है। क्या बोली जाती है बच्चों? हिंदी बोली जाती है। अब है ड, व्याकरण में हम भाषा पोषित करने के नियम सीखते हैं। व्याकरण, उत्तर क्या लिखा है? व्याकरण। व्याकरण में हम भाषा को शुद्ध करने के नियम सीखते हैं। अब है चार, मौखिक भाषा का आधार ध्वनियां है। उत्तर क्या है यहाँ पर? मौखिक भाषा का आधार ध्वनियां है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया? भाषा, उत्तर आप क्या लिखेंगे? भाषा लिखित, हिंदी, हिंदी व्याकरण और ध्वनियां। तो उत्तर आपको क्या लिखना है? भाषा लिखित, हिंदी, हिंदी व्याकरण और ध्वनियां है। तो बच्चे जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, मैं आपको एक मिनट का समय देती हूँ। तो बच्चों आपने इसको लिख लिया होगा।
मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ, का का उत्तर होगा भाषा, खा का उत्तर होगा लिखित, गा का हिंदी, घा का हिंदी, ड का व्याकरण और च का ध्वनि। तो बच्चों इसको अपनी एक नोटबुक में आपने लिख लिया होगा। अब मैं आपको तीसरी एक्सरसाइज दिखाने जा रही हूँ। निम्नलिखित के लिए किस भाषा का प्रयोग करते हैं लिखिए। यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य दिए हैं, तो ये जो वाक्य है, ये जो लिखा हुआ है, इसको पढ़ करके आपको बताना है कि किस भाषा का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित के लिए किस भाषा का प्रयोग करते हैं यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे समाचार पत्र पढ़ना, तो बच्चों ये कौन सी भाषा में हुआ, मौखिक भाषा आएगी इसके लिए या लिखित भाषा आएगी। समाचार पत्र पढ़ना यानी हम उसको देख करके पढ़ रहे हैं, ये कौन सी भाषा आएगी, मौखिक भाषा। उत्तर क्या लिखेंगे आप, मौखिक भाषा। इसको लिखना शुरू कर दीजिए बच्चों। पत्र लिखना, पत्र लिखना यानी हम हाथ से पत्र को लिख रहे हैं, तो कौन सी भाषा आएगी, लिखित भाषा। अब है क, भाषण देना। तो बच्चों भाषण क्या करते हैं, हम मुंह से देते हैं ना, भाषण को हम मुंह से देते हैं, तो भाषण देना कौन सी भाषा आएगी, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्यों होगी, क्योंकि हम मुंह से बोलते हैं। बच्चों को श्याम पट पर लिखकर पढ़ाना, तो श्याम पट का अर्थ क्या होता है, ये जो बोर्ड होता है इसको क्या कहते हैं, श्याम पट। तो बच्चों जैसे मैं आपको बोर्ड पर देख करके पढ़ा रही हूँ ना, आप पढ़ रहे ना, तो बच्चों को श्याम पट पर लिखकर पढ़ाना, मैं आपको लिखकर पढ़ा रही हूँ, ये कौन सी भाषा हुई, लिखित भाषा। ये जो मैंने आपको लिख करके पढ़ा रही हूँ, ये कौन सी भाषा आएगी, लिखित भाषा। अब है ड, रेडियो पर गाना सुनना, तो गाना जो बोला जाता है उसको हम किससे सुनते हैं, कानों से सुनते हैं, तो ये कौन सी भाषा हुई, मौखिक भाषा। रेडियो पर गाना सुनना कौन सी भाषा है, मौखिक भाषा। चल कॉपी में कहानी लिखना, कॉपी में हम कहानी लिखते हैं, तो ये हम कैसे लिखते हैं, लिखित भाषा के द्वारा। तो कॉपी में कहानी लिखना लिखित भाषा। कॉपी में कहानी लिखना लिखित भाषा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया है, समाचार पत्र पढ़ना, जब हम समाचार पत्र पढ़ते हैं तो मुंह से पढ़ते हैं, ये कौन सी भाषा आई, मौखिक भाषा। ख, पत्र लिखना लिखित भाषा, पत्र हम कब लिखते हैं, लिखित भाषा में लिखते हैं। ग, भाषण देना मौखिक भाषा, भाषण जो होता है हम कौन सी भाषा में देते हैं, मौखिक भाषा। घ, बच्चों को श्याम पट पर लिखकर पढ़ाना, जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख करके पढ़ा रही हूँ, तो हम मैं बोर्ड पर श्याम पट का क्या होता है बच्चों, ब्लैक बोर्ड, तो मैं ब्लैक बोर्ड पर आपको लिख करके पढ़ा रही हूँ, तो कौन सी भाषा है ये, लिखित भाषा। अब है ट, रेडियो पर गाना सुनना, हम लोग रेडियो पर गाना सुनते हैं, तो कौन सी भाषा होती है, मौखिक भाषा। च, कॉपी में कहानी लिखना, हम कॉपी में कहानी लिखते हैं या मैडम का होमवर्क लिखते हैं या जो कुछ भी लिखते हैं, वो कौन सी भाषा होती है, लिखित भाषा, क्योंकि हम किस में लिखते हैं, लिखित भाषा में लिखते हैं। तो बच्चों क का उत्तर होगा मौखिक भाषा, ख का उत्तर होगा लिखित भाषा, ग का उत्तर होगा मौखिक भाषा, ख का उत्तर होगा लिखित भाषा, ड का उत्तर होगा मौखिक भाषा, च का उत्तर होगा लिखित भाषा। तो बच्चों आपके पास पुस्तक भी है, तो आप चाहे तो इसको नोटबुक में आपने लिख लिया होगा, और चाहे तो इसको आप अपनी पुस्तक में भी लिख सकते हैं। तो बच्चे जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है, वो आपका क्या है, होमवर्क भी है, उसको अपनी नोटबुक में लिखिएगा। थैंक यू बच्चों।